सोलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो जब ए पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखो एक सिंपल सा एक्सप्रेशन लेते हैं। सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स एक्स प्लस टू। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। देखो एक्स का पावर कितना है, देखो पावर ऑफ एक्स कितना है, वन। जब वन होता है तो एक्सप्रेशन तुम्हारा क्या कहलाएगा, लीनियर। क्लियर? अच्छा, अब हमको बात करना है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरो का। अब पढ़ चुके हो, अगर जीरो फाइंड करना है देन यू हैव टू पुट पी एक्स इक्वल टू जीरो। तुम पी एक्स को जीरो पुट कर दोगे तो उस केस में यू विल फाइंड एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, देन एक्स इक्वल टू माइनस टू। देखो क्या मिल गया तुमको, माइनस टू। अब इस माइनस टू को अगर यहाँ पे तुम पुट करते हो तो देखो पी एक्स इक्वल टू पी एक्स किस पे एट एक्स इक्वल टू माइनस टू, तो इसको तुम क्या लिखते हो, पी माइनस टू लिखते हो। क्लियर? अब एक्स के जगह तुम क्या करोगे, माइनस टू प्लस टू, दिस विल बी जीरो। यानी एक्स का वो वैल्यू जिस पे इस पॉलिनोमियल का ओवरऑल वैल्यू क्या मिल जाए, जीरो, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तो हमारा कैलकुलेट करने का पार्ट है। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। देखो अपन को करना क्या है, ग्राफ प्लॉट कर लो। इधर देखो आप एक्स लो, इधर क्या ले लो, एक पी एक्स ले लो, चलो ठीक है। अगर अपन एक्स की वैल्यू क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, एक्स की वैल्यू जीरो लोगे तो पी एक्स टू मिलेगा। अरे यहाँ पे जीरो रखोगे तो मिलेगा जीरो प्लस टू टू। क्लियर? जब तुम एक रखोगे तो तीन मिलेगा, दो रखोगे तो दो और टू कितना होगा, फोर हो जाएगा। चलो अगर माइनस टू रखते हो तो क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। क्लियर? इस साइड का उड़ाते हैं, आप नोट कर लो अगर आपको नोट करना हो तो। चलो बहुत बढ़िया, तो देखो करना क्या आपको, हम एक ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। आप ऑलरेडी देख चुके हो सब सारी चीजें, बट थोड़ा सा क्लियर कर लो। देखो इसमें अपन किसको रखेंगे, पी एक्स को, और इस वाले किसको रखेंगे, पी एक्स को। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आप किसको पुट कर दो, पी एक्स को। देखो वन टू थ्री फोर फाइव बना लो, इधर लेकर आ जाओ इसको, माइनस वन माइनस टू माइनस वन माइनस टू, ठीक है। इधर वन टू थ्री फोर फाइव, चलो क्लियर। जब एक्स की वैल्यू जीरो है, देखो एक्स जीरो है तो वाई कितना है, टू। यानी ए पॉइंट मिल गया आपको, इस पॉइंट को मार्क कर लो, ए होगा तुम्हारा जीरो कमा टू। जब एक्स वन है, ए वन है, टू है, थ्री फोर फाइव बना लो, वन टू थ्री फोर फाइव बना लो। जब x का वैल्यू 1 तो y कितना है, 3 है, यहाँ पे आएगा, ये तुम्हारा पॉइंट यहाँ मिल गया। और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 1 कमा 3, पहले x लिखा जाता तब y। जब 2 है तो कितना है, 4, तो 2 पर आ जाओ, यहाँ पर पॉइंट आपको मिलेगा, ये पॉइंट है 2 कमा 4। अच्छा माइनस टू पे देखो क्या है, यहाँ पे आ गया, माइनस टू पे y क्या है, 0, तो ए पॉइंट मिला माइनस टू कमा 0। देखो अब जब इसको आप खींचोगे ऐसे, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, सारे पॉइंट क्या होंगे, मिलते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो माइनस टू पर एक माइनस टू एक्स का एक ऐसा वैल्यू है जो वाई सॉरी एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। क्लियर? चलो इस वाले पॉइंट को देखो, जो माइनस टू है, माइनस टू जो आपका पॉइंट है, ठीक है, माइनस टू पॉइंट पे ये आपका जो लाइन है, लाइन वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अगर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो ए वाला पॉइंट माइनस टू क्या कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरो, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसा अगर कर्व रहता, एक ऐसा ग्राफ रहता, तो यहां पर देखो एक्स एक्सिस को एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, यानी एक्स के कितने वैल्यू है जिस पे वाई ए पॉलिनोमियल क्या बन गया, जीरो। अरे भाई यहां पे माइनस टू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू देखो कितनी हो गई है, यहां पे देखो कितना हो गया, जीरो हुआ है। और तुम डायरेक्ट जब भी निकालते हो तो उस केस में भी तो पी एक्स को क्या करते हो, जीरो करते हो, तो तुम डायरेक्टली माइनस टू पुट कर रहे थे तभी तो तुमको क्या मिल रहा था, जीरो मिल रहा था। जब ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो एक्स की एक वैल्यू मिल रही है माइनस टू, जिस पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर एक्स एक्सिस को देखो जितने जगह पर कट करेगा उतने नंबर सब क्या होंगे, जीरो। देखो यहाँ पे वन दो तीन चार पाँच,
पांच जगह पर ये वाला जो कर्व है, दिस कर्व पांच जगह पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो अगर यहां पे पूछ दे नंबर ऑफ जीरोज तो तुम कितना बताओगे? फाइव बताओगे। ठीक है, क्लियर, नोट कर लो अब इसको। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप उसको करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी क्या करना होता है आपको, आपको यह देखना है कि जो तुम्हारा जो कर्व है, लाइन है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, बस आपको इतना ही नोटिस करना है। देखो हमको इस चैप्टर में बेसिकली इसके बारे में पढ़ना है, क्वाड्रेटिक, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म का। अब देखो इस फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ वो होता है पैराबोला। क्या होता है? पैराबोला। अब पैराबोला या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। देखो इस तरीके का पैराबोला होता है, पैराबोला या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। अपवर्ड कब होगा? जब ए ग्रेटर देन जीरो होगा। डाउनवर्ड कब होगा? जब ए लेस देन क्या होगा? जीरो होगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट नेगेटिव होता है तो उस केस में तो डाउनवर्ड हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव होता है तो क्या होगा? अपवर्ड होगा। बस इतना बात आपको याद रखना है, क्योंकि तुम क्वाड्रेटिक पढ़ते हो तो उसका तो ग्राफ तुमको मालूम होगा, उसका नेचर कैसा होना चाहिए? पैराबोलिक होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हम आपके लिए क्वेश्चन लिखते हैं, आपको फाइंड करना है नंबर्स ऑफ जीरोज, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो बताओ। चलो फटाफट करते रहे, ठीक है। अब बताओ नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, ठीक है। चलो कम ऑन, चलो ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, दिस विल बी एक्स एक्सिस, हर केस में वाई एक्स वाई एक्स y x एक्सिस, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर वन में देखो दो पॉइंट पे कट किया है, कितने पॉइंट पे? दो। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? टू। बोलो x एक्सिस को कट किया है? नहीं किया है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? जीरो होंगे। यहां पर देखो x एक्सिस को कट किया है, नहीं, तो यहां पर भी जीरोज कितने होंगे? जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे देखो टच किया है, ठीक है, तो इसके देखो पैराबोला है, मैक्सिमम पावर टू है, दो जीरो होने चाहिए, लेकिन टच कर दिया है तो जीरो कितने होंगे? वन होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों जीरो क्या हो जाएंगे इस केस में? इक्वल हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू होगा क्या होगा? इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ पे लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस फोर ए से इक्वल टू क्या लिखोगे? जीरो लिखोगे इस केस के लिए। यहाँ पे नो सोल्यूशन, ठीक है, और यहाँ पर भी कितने होंगे? नंबर ऑफ सोल्यूशन वन होगा। अच्छा इसमें देखो पैराबोला अपवर्ड है, तो इस केस के लिए ए ग्रेटर देन क्या होगा? जीरो। यहाँ पे डाउनवर्ड है तो ए लेस देन क्या होगा? जीरो। आ रहा बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो कोई भी क्वेश्चन होगा आपको बस ग्राफ बना के इस तरीके से दे दिया ऐसे। देखो सपोज यहाँ पे क्या करा दिया आपको? एक्सिस को टच करा दिया, ये सपोज लो क्या किया है? टच किया है। तो नंबर ऑफ जीरो फाइंड करेगा तो देखो एक दो तीन चार पाँच और यहाँ पे एक, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो इसके लिए कितने हो जाएंगे? सिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि अगर एक्स का वो वैल्यू, ठीक है, जिस पे ये फंक्शन ये ग्राफ एक्स एक्सिस को क्या करें? कट करें, जिस वैल्यू पे कट करेंगे तो वही उसका जीरो होगा, क्योंकि उस वैल्यू पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।